Hi guys, this is Wannabe Star Kid. मैं हूं अमर। So, पठान का फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यार। तो चलो फटाफट से ट्रेलर देखते हैं कि और क्या है मूवी में, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। फटाफट से ट्रेलर देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ओके एग्जैक्टली मैंने ये किसी फेसबुक या इंस्टा के पोस्ट पे पढ़ा था कि यश राज स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। मतलब चलो ठीक है, हमेशा फॉरेनर्स ही ट्रेंड सेट करते हैं, उन लोग ने मार्वल बनाया, डीसी बनाया, तो उसमें यूनिवर्स अलग बनाया उन लोग का। तो इंडियन वर्जन में सबसे पहला यूनिवर्स मेरे ख्याल से, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोहित शेट्टी है ना, पुलिस यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स उसने बनाया, सिंघम एंड सिम्बा, सूर्यवंशी, तो वो भी अलग यूनिवर्स है और ये स्पाई यूनिवर्स अलग है। लेट्स सी क्या है। ओ दुबई, एक सेकेंड यार, ये बॉलीवुड क्यों नहीं सुधरता है यार, कुछ तो क्रिएटिविटी करो। मतलब पहला सीन देख के ही मेरा मूड ऑफ हो गया। यार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इस मूवी के साथ, और ये पर्टिकुलर सीन कॉपी किया हुआ है भाई। ओके, आप लोग ने अगर एवेंजर्स का वो देखा होगा, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखी होगी, उसमें तो उसमें जो वो निक फ्यूरी होता है ना, जिसकी आंख में पट्टी लगी होती है, वो गाड़ी से ऐसे भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे एजेंट पड़े होते हैं उसको मारने के लिए। और ये जो पता नहीं कौन सा बंदा है मास्क मैन वाला, जो उसको बजूका से उड़ाया है, वो होता है सैम बकी, मतलब जो विंटर सोल्जर होता है। सेम सीन है भाई, वो भी गाड़ी के आगे खड़ा होता है, वो भी बजूका से उसको उड़ाता है, गाड़ी उड़ती है और आगे से खड़ा रहता है। यश राज तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना बड़ा बैनर है, कुछ तो क्रिएटिविटी करो। सारा पैसा कहाँ मारते हो मुझे मालूम नहीं। अच्छे राइटर्स और अच्छे मतलब सीन कोरियोग्राफर्स तो हायर कर लो, जो कुछ न्यू क्रिएटिव लेवल पे करे, वही सेम उठा के डाल दो। इंडियन ऑडियंस नहीं देखती ये सब भाई, बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग इन 10 सालों में। स्टार्टिंग के 5 सेकेंड ही मतलब मेरा मूड ऑफ कर दिया। आई होप आगे के सीन सब कुछ कॉपी ना हो। Outfit X, एक private terror group, जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस contract। अच्छा वो जॉन अब्राहम है, शाहरुख खान को कैप्टन अमेरिका, मतलब चलो वो तो कैप्टन अमेरिका उसमें था, इंडियन वर्जन है ना ये, तो शाहरुख खान माइट बी कैप्टन इंडिया एंड जॉन अब्राहम को बना दिया विंटर सोल्जर। ऐसा ना हो कि दोनों दोस्त निकले और ये चला गया वहां पे, माइंड ब्रेन वॉश कर दिया इसको, तो टेररिस्ट बन गया। अरे भाई साहब ये ना हो, मैं रो दूंगा भाई। Outfit X, एक private terror group, जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस contract पर काम करते हैं। Ma'am, we have a red flag. They are planning a massive attack. और उनका target है India. एक ऐसा attack जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये negotiation नहीं, ultimatum है. And your time starts now. तो अब? अब पठान के बनवास का time खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया, और पटाखे भी लाएगा। अरे भाई साहब, इस बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस अब भी तक गूजबम्स ले आती है। गूजबम्स भी नहीं बोल पा रहा ढंग से कि क्या लग रहा है भाई ये बंदा। इसकी स्क्रीन प्रेजेंस सब एक्टर्स में से खतरनाक है। मतलब इतने टाइम बाद आया है ये, ओ भाई शाहरुख खान आता है ना स्क्रीन पे, खतरनाक लगता है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा लुक है ना, आप बोलोगे कितना कंप्लेन करता है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्या है ना, अभी जब से ये इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इतनी सारी मूवीज बनती है, तो वो दिमाग उधर जाता है कंपेयर में। अगर आपने साइबर पंक खेली होगी, गेम है एक पीसी प्ले स्टेशन पे, कियानू रीव्स पता है ना आपको, उसमें जो कैरेक्टर है आई थिंक उसका नाम है जॉनी सिल्वर हैंड, मैंने कंप्लीट की हुई है गेम, वैसा ही लग रहा है मेरे को ये। बट ठीक है, अब इसमें इतना नहीं बोलूंगा, बस वो स्टार्ट वाला सीन बहुत कॉपी था। बट वाव क्या एक्शन कर रहा है भाई, ऑब्वियसली स्टंटमैन कर रहा है, बट ठीक है जो भी हो। और पटाखे भी लाएगा। बाप रे, मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह
हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण ब्लैक विडो है क्या? वैसे स्टंट्स मार रही है उड़ उड़ के। ओ भाई साहब, सोल्जर हूँ पठान तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? एक सेकेंड। ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका के पास जाती है, वो बोलती है कि खतरा होने वाला है, आर यू इन? सेम डायलॉग। भाई 2023 आ गया है। आई नो शाहरुख खान इज अ किंग ऑफ बॉलीवुड, बट अगर स्क्रिप्ट और डायलॉग्स ही अच्छे नहीं हो तो भाई शाहरुख खान भी नहीं बचा पाएगा इस फिल्म को। आई होप ना हो ऐसा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली फुल पिक्चर तो नहीं आई है अभी, ट्रेलर देख के ही जजमेंट दे रहा हूं मैं, बट मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जितना मेरे को लग रहा है ना भाई, ये तो सस्ता एवेंजर कॉपी लग रही है। सो आर यू इन और आर यू आउट? पठान हंटर हंटेड। फ्रॉम द मेकर ऑफ वॉर, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। वो मूवी अच्छी थी, मेरे को उसके मतलब एक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी उस मूवी की बहुत तोड़ लगी थी। कुछ कुछ क्रिंजी चीजें थी उस मूवी की, बट भाई ऋतिक रोशन क्या लग रहा था उस। तो आगे जाके हम शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन को देख सकते हैं भाई, बिकॉज ये स्पाई यूनिवर्स है। ओ भाई लेट्स गो। मेरा आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। ओके, ये डायलॉग बहुत खतरनाक था भाई, बहुत प्यारा। जॉन अब्राहम बहुत कड़क लग रहा है। सब बताऊं, एवरीवन इज लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। सिनेमेटोग्राफी और ये सब बहुत अच्छी है। कुछ कुछ सीन्स कॉपी कर लिए, पता नहीं क्यों कब छोड़ेंगे ये बॉलीवुड वाले। 200-300 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और सीन्स ये क्रिएट नहीं कर सकते खुद, मेरे को ये समझ नहीं आता। एक्शन डायरेक्टर को भाई अच्छा पैसा दे के लेके आओ तो अच्छे सीन्स वो बनाए। बट आई थिंक करण जौहर का इंटरव्यू आया था ना कि यहाँ पे एक्टर्स ही 20-30 करोड़ ले लेते हैं, तो फिर सारा का सारा आधा बजट तो भाई एक्टर्स ही ले लेते, तो बाकी बजट बचता ही नहीं है। ये थोड़ी मतलब प्रॉब्लम है हमारे देश में, बट एक्टिंग वाइज शाहरुख खान तो भाई कभी कम नहीं करता। ओ किंग है भाई वो। जॉन अब्राहम अच्छा लग रहा है बाय द वे। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। अबे जेट पैक लगा के घूम रहे हैं दोनों। ओ भाई साहब, अलग ही लेवल का एक्शन पहुंच गया यार। ये कब आ रही है? 25 जनवरी को आ रही है ना। अच्छा ओके ओके। सो गाइस, ये मूवी फ्लॉप होगी या सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी ये तो जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कंटेंट क्या है, स्टोरी क्या है। अभी तो ट्रेलर देख के हम कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ सीन्स में और जो जो इनके शॉट्स हैं उस पर ही जजमेंट दे सकते हैं। मेरे को तो सच बताऊं, बुरा मत मानना, सस्ती एवेंजर का कॉपी लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स वहां से कॉपी हैं। और एंड में जो जेट पैक का सीन लग रहा था वो मेरे को लगा थोड़ा फास्ट एंड द फ्यूरियस का, जो फास्ट 9 जो थी ना, 9 वर्जन, उसमें कुछ कुछ कोशिश करने की कोशिश की है। मेरे को लगता है ये ना, अभी हॉलीवुड को भूल जाओ, टॉलीवुड को भी भूल जाओ, बॉलीवुड को खुद अपना एक फिर से प्लेटफॉर्म लाना पड़ेगा, बिकॉज साउथ वाले लोग मचा रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ कुछ क्रिंजी चीज़ें उनमें भी होती है, लेकिन स्टोरी में वो कभी मार नहीं खाते। स्टोरी बहुत अच्छी होती है। आई होप इसकी स्टोरी अच्छी हो। अगर इस मूवी की स्टोरी अच्छी हो गई ना भाई, स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट मूवी की ये रहती है बैकबोन, जिससे हम खड़े रहते ना इंसान, वो मूवी को उठा के रखती है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं रही तो भाई ये टंटन गोपाल हो जाएगी इस मूवी का। लेकिन और जितने भी मैंने सीन्स बोले हैं ना, ये कॉपी लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो हम सब भूल जाएंगे। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग ऑब्वियसली सब अच्छे करने वाले हैं, बट यश राज का थोड़ा अभी ना ट्रैक रिकॉर्ड खराब चल रहा है। वॉर मूवी अच्छी थी,
बट थोड़ा एंडिंग वेंडिंग में उनका थोड़ा इशू कर दिया था ना, ओवर दिखा दिया था वो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फाइट। मेरे ख्याल से 20 मिनट की तो फाइट ही खींच दी थी भाई, कुछ ज्यादा ही खींच दिया था वो, आपको याद होगा। बट एनीवेज यार, आई होप कि मजा आ जाए। शाहरुख खान तो मतलब स्क्रीन पे आ जाए तो लोग तालियां तो मारेंगे भाई, उसकी प्रेजेंस ही ऐसी है। जॉन अब्राहम भी अच्छा लग रहा है। सिर्फ राइटर में अगर इसने खतरनाक काम किया हो, मतलब राइटर्स ने, तो ये मूवी बच जाएगी, वरना भाई 26 जनवरी को 11 तोपों की सलामी मिल जाएगी इसको। आपका क्या ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए मजेदार, जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।